जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज मैं आपके सामने बात करूंगा 3AFSB गांधीनगर की। अभी रिसेंटली SSB जो है वहां पर कंप्लीट हुई है, तो वहां पर PPDT के लिए कौन सी पिक्चर यूज़ की गई, GD के कौन से टॉपिक्स है जो उनको दिए गए थे, रिपोर्टिंग कितनी हुई, कितने एस्पिरेंट्स रिकमेंड हुए और लेक्चरेट के टॉपिक्स जो हैं उन्हें क्या क्या दिए गए थे और जो हमारी टैट की पिक्चर्स है वो क्या क्या थी। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। इसके अलावा CDS और CAPF के बैचेस चल रहे हैं, FCAT GK की ईबुक अवेलेबल है। कुछ भी चाहिए हो, अवेल करना हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अवेल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। ये हमारा गांधीनगर वाला बैच था 2 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक वाला, और उसमें रिपोर्टिंग हुई 121, स्क्रीन इन हुए 49, रिकमेंडेशन हुई है 8। आपको पता है अभी देहरादून में भी रिपोर्टिंग हुई थी 183, जिसमें से जो रिकमेंड हुए हैं वो 6 रिकमेंडेशंस हुई हैं कल। वो भी बैच कल ही कंप्लीट हुआ है देहरादून वाला, उधर जो है 6 रिकमेंडेशंस हुई हैं, गांधीनगर के बैच से रिकमेंडेशन हुई है 8। आगे देखते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले PPDT की, तो PPDT में 4 मैन थे, 1 गर्ल थी, पिक्चर में दिखाई दे रहे थे और उन्होंने एक ट्रॉफी को पकड़ा हुआ था, इसके ऊपर थी PPDT। आपको मैंने ये इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप अपनी अपनी स्टोरी बनाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं, जहां तक बात थी GD की, तो 2 टॉपिक्स थे। पहला था हिंड्रेंस टू नॉर्मेलसी इन J&K आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, यानी कि जो J&K में नॉर्मल कंडीशंस हो सकती हैं आर्टिकल 370 जब से अबॉलिश किया है उसके बाद, उसमें सबसे बड़ी जो रोक है वो किसकी वजह से आ रही है? क्या मीडिया की वजह से आ रही है, इंटरनल प्रेशर की वजह से आ रही है या लोकल पॉपुलेशन की वजह से आ रही है? तो ये था GD का पहला टॉपिक। दूसरा, इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी विल बेनिफिट। इंडिया की जो ईस्ट पॉलिसी है, यानी कि जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाने की पॉलिसी है, वो इंडिया का बेनिफिट करेगी, किस में? ट्रेड में, सिक्योरिटी में। तो इसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन थी। ये थे हमारे 2 टॉपिक्स, चलिए चलते हैं आगे। जहाँ तक बात करें लेक्चरेट की, तो टॉपिक्स थे मेक इन इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन, आर्टिकल 370, ग्लोबल टेररिज्म, डीमोनेटाइजेशन, GST, एग्रीकल्चर और ई कॉमर्स। सिंपल टॉपिक्स थे, इनके ऊपर आप प्रेपरेशन करके जा सकते हैं अगर आपकी कुछ महीनों के अंदर SSB है। आगे देखते हैं। बात करें टैट की, तो 12th पिक्चर जो है ब्लैंक आती है, आप सभी को पता है। पहली पिक्चर जो थी उसमें एक लड़का जो है लेक की तरफ जा रहा था और उसका एक और दोस्त, हो सकता है एक और लड़का था जो उसे पीछे से देख रहा था। और दूसरी जो पिक्चर थी उसमें एक टेबल था और उस पर बहुत सारे गिफ्ट्स जो हैं रखे हुए थे। तीसरी पिक्चर की बात करें तो 4 आदमी जो है एक लड़के को रिवर से निकाल रहे थे एक रोप की मदद से। चौथी पिक्चर जो थी उसमें अ बॉय विद बुक्स ऑन टेबल इन अ हैप्पी मूड। सिंपल पिक्चर थी, टेबल है उसके ऊपर बुक्स पड़ी हैं, उसके पास में एक लड़का बैठा हुआ है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा है। 5th पिक्चर जो थी, अ मैन यूजिंग अ टेलीफोन विद अ गर्ल लुकिंग इन बैकग्राउंड। ये घर का सीन था, देख लेना, इसके ऊपर जो है अपनी प्रेपरेशन कर लेना जाने से पहले। आगे देखते हैं, ऑफिस का सीन था, वहाँ पे एक मैन जो है बैठा हुआ है पेपर्स के साथ और वहाँ पे 2 और आदमी हैं जो पेपर्स की तरफ देख रहे हैं। अगली जो हमारी पिक्चर थी उसमें बेड के ऊपर एक मैन लेटा हुआ है और कैलेंडर है उसके पास और उस पे 5 जो तारीख है, डेट है, उसको मार्क किया हुआ है। तो इसके ऊपर जो थी नेक्स्ट पिक्चर थी। अगली पिक्चर की बात करें तो 2 जो आदमी है वो लड़ रहे थे, उन्होंने एक दूसरे के कॉलरों को पकड़ा हुआ था और ये कहाँ का सीन था? रूम का सीन था। आगे देखते हैं, 9th जो पिक्चर थी ये बहुत बार आ चुकी है SSB में, अ मैन पैराग्लाइडिंग, बहुत बार रिपीट होती है ये। आगे,
अ मैन इन वेयर हाउस डॉक यार्ड विद अ लिट कैंडल, ठीक है, सिंपल सी पिक्चर थी। 11th जो हमारी पिक्चर है वो क्या थी, अ सोल्जर विद अ गन इनसाइड वाटर, ट्रेंच विद एन इन्वर्टेड जीप इन बैकग्राउंड, यानी कि एक वाटर का सीन था, वाटर बॉडी का सीन था, वहाँ पर जो है एक सोल्जर था, उसने गन को पकड़ा हुआ था और उसके पीछे जीप जो है उल्टी पड़ी हुई थी। तो ये थी हमारी 11th पिक्चर, और 12th पिक्चर जो थी वो ब्लैंक थी। तो ये पिक्चर्स हैं टैट की जो AFSB गांधीनगर में अभी अभी रिसेंटली पूछी गई हैं, दी थी उन्हें लिखने के लिए। ये थे लेक्चर 8 के टॉपिक्स, GD के टॉपिक्स आपको बता दिए, PPTT आपको बता दी, रिकमेंडेशन रेट आपको बता दिया। इसके अलावा आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो PPTT में कौन से टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, लेक्चर 8 में कौन से टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप ड्रॉप कर सकते हैं ताकि मैं बाकी एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर कर सकूं। तो चलिए जल्दी मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।